हेलो, सत श्री अकाल। मैं जसबीर अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। ये भी बहुत आसान है। ये कार्डिगन में, जेंट्स कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में और लेडीज़ के स्वेटर में, जहाँ मर्जी इसको डाल लो, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बॉर्डर ही ऐसा है, ऐसा आएगा। ये बॉर्डर दानेदार होता है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी सिलाई में जब जहाँ सीधा बुना है वहाँ उल्टा बुनना है, जहाँ उल्टा बुना है वहाँ सीधा बुनना है। तो ये बॉर्डर कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इस कलर में बुन के रखा हुआ है। अब मैं दूसरे कलर में आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है ये बॉर्डर। देख लीजिए, तो दूसरा बॉर्डर मैं फंदे डाल रखे हैं ऐसे। इस कलर में बताऊँगी, मैंने 20 फंदे डाले हैं बॉर्डर के लिए। तो इसको मैं 10 नंबर पे बना रही हूँ, क्योंकि ये 10 नंबर में बड़ा अच्छा बनेगा, ना टाइट ना लूज। तो इसलिए मैं ये 10 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, फंदे तो देखो डालने हैं आपने। मैंने बताए हुए हैं फंदे अपनी पहली वीडियो में कैसे डालने हैं। वो वाले फंदे डाल लो आप 3 पीस करके, तो बड़े सुंदर फंदे बनते हैं। तो इसके लिए भी आपने एक सिलाई पहले सीधी ही बनानी है। अगर आप एक सिलाई सीधी ही बनाओगे तो बॉर्डर बहुत सुंदर दिखेगा। तो ऐसे आपने सीधी सिलाई बुननी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इससे बहुत सुंदर बनता है। आप भी जब बनाओगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा कि हाँ, ये फिनिशिंग बहुत आती है इसमें। और जो जिस तरीके के फंदे डाले होते हैं ना, वो भी नजर आने लगते हैं कि मैंने किस तरीके के डाले हैं। तो ऐसे ही आपने बनाना है। एक एक सीधी सिलाई बुन लीजिए ऐसे। ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी ऐसे। अब आपने सीधी सिलाई डाल ली, आपकी ये लाइन भी नजर आने लगी है और देखो फिनिशिंग भी है। अब जो दूसरी सिलाई है, क्योंकि हमने जे बॉर्डर बनाना है, दानेदार दानेदार बॉर्डर है, ऐसे दाने दाने से दिखेंगे। तो इसको कैसे बनाना है, ये जेंट्स स्वेटर में जो ओल्ड एज के होते हैं ना, बुजुर्ग, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन। अगर बॉर्डर कोई और बना लो, सिंपल सीधा पुट्ठा और ऊपर ये डिज़ाइन भी बनता है, तो ज़्यादातर बॉर्डर ही बनाते हैं। तो ये बॉर्डर कैसे बनाना है, मैंने इसमें सीधी सिलाई कर ली है। अब उल्टी सिलाई में मैं पहला फंदा हमेशा उतारती हूँ, तो मैं उतारूँगी, उतार के उधर कर लिया। एक फंदा सीधा बुना, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे, एक सीधा एक उल्टा। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना, ऐसे ही सीधा उल्टा सीधा फिर उल्टा, ऐसे आपने सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। जी देखिए, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। आप सीधी सिलाई आ गई, तो इसमें आपने क्या करना है, पहला फंदा तो उतारना है, उतार लिया। अब देखो जो सीधा फंदा है, दिख रहा है जो सीधा फंदा है, तो इसको उल्टा बुनना है, बुन लिया। जो उल्टा फंदा है इसको सीधा बुनना है, जो सीधा फंदा है इसको उल्टा बुनना है, जे उल्टा है इस पे सीधा बुनना है। ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा ऐसे, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। बस ऐसे पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये बॉर्डर की दूसरी सिलाई है।
अब उल्टी सिलाई आ गई तो उल्टे में क्या करना है, उल्टी पूरी उल्टी नहीं बुननी है आपने, फिर क्या करना है, एक फंदा उतारना ही उतारना है। उसको ऐसे किया, अब ये उल्टा है ना फंदा दिख रहा उल्टा, इस पे हमने सीधा ही बुनना है, सीधा उल्टे पे सीधा, अब ये सीधा है तो इस पे उल्टा, अपने आप आपको दिखता जाएगा जब आप बनाओगे ऐसे सीधा, ऐसे सीधे पे उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, बस ऐसे ही बनाना है। इसको भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए और देखते भी रहना है कि मैं सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा तो नहीं बुन रही, बस देखते रहिए सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा, ऐसे ही बनाना है। ऐसे बना के आप बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए ऐसे। अब फिर सीधी सिलाई आ गई तो सीधे पे भी आपने वही दोहरानी है सिलाई, जैसे पहला उल्टा है तो मैं उल्टा उतार लूंगी और आगे सीधा है तो इसको उल्टा ही बुन लूंगी, फिर उल्टा है उल्टे पे सीधा बुनूंगी, अब उल्टा ये उल्टा इस पे सीधा, बस ऐसे बुनते जाना है, बहुत आसान है। एक बार आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे, और बीच बीच में आपने देखना भी है कि मेरा ठीक आ रहा है ऐसे, देखिए डिजाइन बनना शुरू हो गया, उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, ऐसे चेक करना। कई बार क्या होता है हाँ बनाते जाते हैं उल्टा सीधा ही तो है, सीधा उल्टा, वो फिर सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, वो फिर बॉर्डर खराब हो जाता है तो सुंदर नहीं लगता, आपने बीच बीच में चेक करना है। हाँ उल्टी सिलाई फिर वैसे ही, ये उल्टी सिलाई है वैसे भी उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं सीधी सिलाई हमेशा एक सीधी एक में सिलाई तो बनाती हूँ, जब भी मैं फंदे डालती हूँ तो एक सीधी सिलाई बनाती हूँ तो उससे पता चल जाता है कि जे उल्टा उल्टा वाला पासा है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ देखो सीधा उतारा, ये फंदा उल्टा है इसको सीधा ही बुनना है, सीधा फिर उल्टा उल्टे पे सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, बस ऐसे बनाते जाइए और बहुत सुंदर सा बॉर्डर बन जाएगा, जो कि आप जब बच्चे का बनाओगे, अपनी बेटी का बनाओगे, अपने हस्बैंड का बनाओगे, जिसका भी बनाओगे, सबको चाहत होती है कि मुझे भी स्वेटर बना हुआ मिले, तो जब भी आप बनाओगे बहुत सुंदर बनेगा, बच्चों के तो खास करके देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना सुंदर बॉर्डर तैयार हुआ है। मैं एक सिलाई और बता देती हूँ, जैसे ये उल्टा फंदा है तो मैं उल्टा ही उतार लूँगी, आगे वाला सीधा है उस पर उल्टा बुनूंगी, फिर उल्टे पे सीधा फिर सीधे पे उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, ऐसे ही बुनते जाना आप। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ, बहुत आसान है बहुत सुंदर लगता है, तो आप इसको अपने घर पे बनाइए। देखो मैंने अब जल्दी में बनाने की कोशिश की तो उल्टे पे उल्टा बुन दिया ना, तो वो सुंदर नहीं लगेगा, फिर मैं देखूंगी कि हाँ ये उल्टा है, इस पे जब सीधा शुरू कर दूंगी तो नेचुरली आगे उल्टा आना है, तो आप ऐसे ही बनाते जाइए, मैं ए वाली सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ।
अच्छा लग रहा है मेरा बताना, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको और नई नई वीडियो बना के दिखाती रहूं डिज़ाइनों की। जो भी डिज़ाइन कहोगे मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तो मैंने बॉर्डर से ही स्टार्ट किया है, जैसे और भी बॉर्डर बने हैं, तो ये बॉर्डर बन गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही आपने बनाना है, ये दोनों बॉर्डर एक जैसे हैं। ये इस कलर में है, थोड़ा क्रीम में, क्रीम में मैंने इसलिए बनाया कि अगर आप बॉर्डर कोई और बनाते हो तो जो आप हमारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा लगेगा। जैसे आप कोई सिंपल बॉर्डर बना रहे हो, ऐसा सिंपल सा बॉर्डर बनाओगे कोई भी इसी कलर में ही, तो सिंपल सा बॉर्डर बनाओगे तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, ये एक तरह का डिज़ाइन भी है। तो इसलिए आप पहले सिंपल बॉर्डर बनाइए नीचे, ऊपर जे बनाइए। अगर बच्चे का भी बनाना है, आप कोई भी बॉर्डर बनाइए, उसके नीचे सिंपल इसको बना दीजिए। जैसे ये बॉर्डर बनाया है मैंने, तो सिंपल बॉर्डर ऐसा बनाइए, इसी कलर में ऐसा बॉर्डर बनाइए, ऊपर जे डिज़ाइन डाल लीजिए। तो दो तरह के काम आएगा। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा बॉर्डर है। थैंक यू।